आवाज आ रही है सभी को? हाँ हेलो, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने करेक्टरिस्टिक्स कराए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कि हम लाइक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, या ऐड करेंगे तो कैसे चेंज होगा। तो अभी हम लेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। वरुण सर, मुझे वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन रिएक्शन में डाउट है सर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कंप्लीशन होता ही नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे रिवर्सिबल? हाँ, तो हम कब बोल रहे हैं कि कंप्लीट हो गई रिएक्शन? 100% कंप्लीट नहीं हो रही ना, बट कुछ परसेंट तक तो कंप्लीट हो रही है ना। 100% कंप्लीशन नहीं है। हंड्रेड परसेंट कंप्लीशन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है वरुण, रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं आता। वरुण इसको ऐसे देख ले, मान लो यार आपके पास ए प्लस बी ये सी प्लस डी ऐसे है मान लो, तो 10 मोल थे मान लो इनके, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे लो, जब इक्विलिब्रियम आया तो मान लो इसके 8 मोल रिएक्ट कर गए, ठीक है, इन दोनों के 8 मोल रिएक्ट कर गए, तो अभी ये 100% रिएक्शन नहीं हुई है कंप्लीट। ओके, इक्विलिब्रियम के बाद मतलब इतना ही बचा, इसके दो दो रहेंगे, इसके आठ आठ रहेंगे, तो ये ऐसा थोड़ी कि 100% कंप्लीट हो गई। 100% कंप्लीट कब होती? जब इसके 0 0 बच जाते और इसके 10 10 बन जाते, समझ आया? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम पर इतना है, ठीक है, एक ये है। और मान लो दूसरा केस ये हम ले लेते हैं कि यार एक में मान लो इतना हुआ है, 6 मोल रिएक्ट कर गए, ठीक है, तो 4 4 बच गए और 6 6, तो यहाँ पर जो रिएक्शन कंप्लीट हुए पहले से, मतलब 8 8 से कम कंप्लीट हुई है ना, एक के में 8 8 मोल्स बने, दूसरे में 6 मोल्स बने, ऑब्वियसली 8 8 मोल्स वाले में ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट और 6 6 वाले में कम रिएक्शन कंप्लीट, समझ आया? तो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, लेकिन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो हम देख सकते हैं ना कि कितनी ज्यादा कंप्लीट हुई है।
पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई बट कुछ तो हुआ है ना, प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, एक है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक है हीटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम फिजिकल स्टेट या सेम फेस में होते हैं। तो ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेस, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है सब सेम फेस में रहते हैं, सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, जैसे N2 प्लस CH2 gives twice NH2। तो यहाँ पर तीन है, तीनों की तीनों का जो फिजिकल स्टेट है वो गैस सेम फेस। सिमिलरली PCl5 gives PCl3 प्लस Cl, में भी तीनों का फिजिकल स्टेट गैस है। इसी तरह से N2, सॉरी H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस SI, यहाँ पर भी क्या है गैस है। तो अगर सभी का फिजिकल स्टेट सेम रहेगा तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा, होमोजीनियस। हो गया, तो ये था होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यस आई विल फर्स्ट स्लाइड है, ओके, सो दिस वाज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, नाउ हीटरोजेनियस इक्विलिब्रियम नेक्स्ट। तो हीटरोजेनियस इक्विलिब्रियम में कुछ का फिजिकल स्टेट या कुछ का फेस जो है डिफरेंट हो सकता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
will be different. ठीक है, जैसे NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S. तो यहाँ पर देखो NH4HS का क्या है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और NH3 और H2S का क्या है, गैस. तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट आ रही है. सिमिलरली NH4 CO2 NH2 सॉलिड गिव्स ट्वाइस NH3 गैस प्लस CO2 गैस. तो यहाँ पर भी फिजिकल स्टेट देखो, इसका सॉलिड है और ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का गैस है. ठीक है, इसी टाइप से कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस गिव्स CO गैस प्लस H2 गैस. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कार्बन का देखो सॉलिड है, बाकी तीन का क्या है, गैस. तो फिजिकल स्टेट जो है वो हमारे पास कुछ का डिफरेंट हो सकता है. जैसे यहाँ पर कार्बन का डिफरेंट है, यहाँ पर इसका डिफरेंट है, यहाँ पर इसका डिफरेंट है ना. तो अगर सभी का फिजिकल स्टेट सेम है तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, अगर किसी का डिफरेंट आ गया तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, हो गया सबका. नाउ हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह दिया हुआ है और मोल्स निकालने हैं इक्विलिब्रियम पर, या मोल्स दिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह निकालना है. ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे तो उसी पर चलते भी. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम केपी एंड केसी. ठीक है, केपी और केसी वगैरह से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे. तो पहले होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वाला ले लेते हैं. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में कैसे करेंगे देखते हैं. तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट में हम एग्जांपल ले रहे हैं PCl5
plus, sorry, PCl5 gives PCl3 plus Cl. अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टोइकोमेट्री आना जरूरी है, ठीक है? तो इनिशियल मोल्स मान लो तुम्हें PCl5 के दिए, PCl5 के इनिशियल मोल्स मान लो तुम्हें दिए हैं, ओके, और PCl3 और Cl2 के इनिशियल मोल्स दिए हैं। अब PCl5 के इनिशियल मोल्स A हैं, जब ये रिएक्शन हुआ तो इक्विलिब्रियम पर मान लो इसके x मोल रिएक्ट कर, PCl5 के इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स रिएक्ट कर गए x, तो बचे कितने a माइनस x। और मैंने क्या बोला, स्टोइकोमेट्री आना था, तो याद है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता है उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट कर। तो PCl5 का हमने बोला कि x मोल रिएक्ट करेगा, तो PCl3 और Cl2 का कितना मोल बनेगा बताओ, एट इक्विलिब्रियम पर PCl5 का x मोल रिएक्ट किया तो बचा कितना, ऑब्वियसली a माइनस x, तो x मोल रिएक्ट कर रहा है तो PCl3 और Cl2 का कितना बनेगा, देखो 1:1 रेशियो है ना, ठीक है, तो जितना मोल रिएक्ट करेगा उतना ही मोल बनेगा, PCl5 का x मोल रिएक्ट किया तो PCl3 का x बन जाएगा और Cl2 का x बन जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए, ये मोल्स किस पर आ गए, इक्विलिब्रियम पर आ गए। नाउ इक्विलिब्रियम पे तीनों के मोल्स पता है, इसके माइनस x है, इसके x है, इसके x, हमें चाहिए Kc एंड Kp, ठीक है, पहले Kc निकाल लेते हैं, तो हमें चाहिए Kc, तो Kc के लिए हमें क्या चाहिए, Kc के लिए हमें चाहिए इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन, तो यार कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो a माइनस x हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ऑब्वियसली कंटेनर का जिसमें रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन उस कंटेनर का वॉल्यूम, तो a माइनस x अपॉन v, सिमिलरली x बाय v, और इसका हो गया x बाय v, ठीक है, तो ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया एट इक्विलिब्रियम। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Kc, Kc क्या होगा भाई, Kc इज PCl3 कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा Kc का एक्सप्रेशन, और इसमें जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होंगे सब इक्विलिब्रियम वाले, जो कि हमने निकाल लिए थे, तीनों कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाले, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो PCl3 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x by v, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो भी x by v है, डिवाइड बाय PCl5 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 माइनस x by v, तो क्या आ गया है? ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स बाय, ये आएगा ना, सो दिस इज Kc, ये हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी ए माइनस एक्स, वन माइनस एक्स नहीं, ए माइनस, दीपक इनिशियली तो PCl3 और Cl2 है ही नहीं ना भाई, वो तो रिएक्शन से बनेगा ना, वो जब रिएक्शन होगी तभी बनेगा ना PCl3 और Cl2, इनिशियली तो हमारे पास जस्ट रिएक्टेंट ही होता है ना, वही रिएक्ट करता तभी तो प्रोडक्ट बनता है, फॉर्मूला को याद नहीं रखना भाई, ये प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है, जो मेथड यूज कर रहे हैं ना कि कैसे केसी निकालेंगे, वो प्रोसीजर याद रखना, मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली केसी निकालना है,
केसीए में क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया एक्सप्रेशन में, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का। तो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, अगर इनिशियल मोल्स पता है तो अगर इनिशियली मोल्स पता है तो देख लो कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स रिएक्ट कर गए, ठीक है, तो मोल्स कितने रिएक्ट कर गए, इससे पता चल जाएगा कितने मोल्स बन गए प्रोडक्ट से। अगर वो पता चल गया तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, ठीक है। सो ये प्रोसीजर याद रखना। हो गया सबका? सेम वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम तो कंटेनर का लोगे ना यार, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, कंटेनर का जिसमें रिएक्शन हो रही है, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही है ना सबके लिए, अलग अलग थोड़ी है। ठीक है, नाउ ये हमने केसी का एक्सप्रेशन निकाला, अभी केपी का निकालते हैं। तो केपी का एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए, अभी केपी में हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ये रिएक्शन है हमारे पास। तो इसमें देखो इक्विलिब्रियम पर हमने ऑलरेडी मोल्स निकाल लिए हैं, एट इक्विलिब्रियम मोल्स क्या हैं, इसके थे a माइनस x, इसके थे x, इसके थे x, ठीक है। अभी देखो इक्विलिब्रियम पर हमें मोल्स मिल गए, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो सकता है, टोटल प्रेशर अगर हमें पता है, अगर हमें टोटल प्रेशर पता है तो टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा क्या। तो टोटल प्रेशर को क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, केपी और केसी का रेशियो से भी कर सकते हैं, वो केपी और केपी का जो रिलेशन था उससे भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से जाएंगे। अगर अगर क्वेश्चन में तुम्हें टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया है, क्वेश्चन में जस्ट तुम्हें क्या दिया, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तब कैसे करोगे, हम वही चीज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दिया है एंड इनिशियल मोल्स वगैरह पता है तो उससे केपी निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखो इक्विलिब्रियम पर मोल्स आ गए सभी के, इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए, हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नाउ मोल फ्रैक्शन कब आएगा, जब टोटल मोल्स हमें पता होंगे, तो जैसे टोटल मोल्स पता है ना, देखो कितने हो गए टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल्स क्या है, ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस एक्स। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स पता चल गए, नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हर एक के मोल्स पता है डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर दो तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इक्विलिब्रियम पर। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। नाउ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मान लो टोटल प्रेशर कैपिटल पी है,
ठीक है, सो ये मोल फ्रैक्शन हो गया इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्शियल प्रेशर आ गया। अभी देखो, अगर पार्शियल प्रेशर हमें मिल गया तो केपी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। व्हाट इज केपी? केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल थ्री इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल फाइव। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी, सिंगरली इसका भी हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी, एंड ये आएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये ए प्लस एक्स एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये होगा केपी का एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हम प्रोसीजर यूज करेंगे केसी एंड केपी निकालने के लिए फ्रॉम इनिशियल मोल्स। अगर इनिशियल मोल्स पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो इस टाइप से केपी निकाल सकते हैं, या फिर वॉल्यूम पता है तो केसी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। कुछ भी पूछ लेते हैं वरुण, केसी केसी कुछ भी पूछ लिया जाता है, जनरली केसी पूछा जाता है वैसे। यस सिद्धार्थ, हो गया सबका? तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। एग्जाम्पल है एच टू प्लस आई टू गिव्स ट्वाइस एच आई,
तो एच टू के मोल्स इनिशियली ए हैं, आई टू के मोल्स बी हैं और इसके 0, ये इनिशियल मोल्स। नाउ एट इक्विलिब्रियम एच टू के मान लो एक्स मोल रिएक्ट कर गया तो कितने बचेंगे, ए माइनस एक्स। अगर एच टू का एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो आई टू का कितना करेगा, अगर एच टू का एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है तो आई टू का कितना करेगा। देखो 1:1 रेशियो है ना, सेम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो सेम मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, तो सेम मोल्स मतलब एक्स मोल रिएक्ट करेंगे। इनिशियल हमारे पास बी था, उसमें से एक्स मोल रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, बी माइनस है। अब देखो एस आई का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो अगर एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, 2x बनेगा। ओके तो एच आई का 2x मोल बन जाएगा। तो ये तीनों के इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जस्ट क्या होगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम से डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन आ गया। वॉट इज के पी, सॉरी पहले के सी निकाले, तो वॉट इज के सी, तो के सी इज एच आई कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एच टू कॉन्सेंट्रेशन एंड आई टू कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2x अपॉन बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस एक्स बाय बी इंटू बी माइनस एक्स बाय बी। तो देखो वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस, ठीक है। तो ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। हो गया सबका, तो ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाल ली, देन उसके बाद केसी आ गया। नाउ केपी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। इक्विलिब्रियम पे मोल्स हमें पता है, यस वरुण, एच टू प्लस आई टू गिव्स ट्वाइस एस आई, हमारे पास रिएक्शन है। एंड इक्विलिब्रियम पर हमें पता है तीनों के मोल्स क्या था, एच टू का था ए माइनस एक्स, आई टू का था बी माइनस एक्स और एच आई का है 2x। नाउ टोटल मोल्स कितने होंगे, ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये आएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो टोटल मोल्स ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। नाउ हमें निकालना है केपी, तो केपी के लिए चाहिए पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के लिए चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन
क्या आएगा भाई? तो इसके मोल्स ए माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स ए प्लस बी, इसके मोल्स से बी माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स हो गए ए प्लस बी, सिमिलरली इसके मोल्स टू एक्स है डिवाइड बाई टोटल मोल्स ए प्लस, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। और व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया, नाउ केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो व्हाट इज केपी? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x अपॉन a प्लस बी इंटू पी का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी एंड b सॉरी b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी। तो देखो यहाँ पर p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस, जो कि kcb था। kcb यही था ना? देखो kcb यही आ रहा था, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। तो kc एंड kp सेम आ रहे हैं और आने भी चाहिए क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है ना यार, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी जो है वो क्या है? जीरो है। तो डेल्टा एन जी जब जीरो होता है तो केपी और केसी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, हो गया सबका ना? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो तुम्हें खुद को ट्राई करना है। तो नेक्स्ट जो है वो है एन टू प्लस थ्री एच टू gives twice NH3, ये वाली रिएक्शन है जिसमें इनिशियली इसका मोल दिया ए और एच टू का दिया बी और NH3 जीरो है, ये इनिशियल मोल्स दिए हमें। इसके अलावा एट इक्विलिब्रियम N2 का x मोल रिएक्ट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अभी KC एंड KP का एक्सप्रेशन निकालो, KC एंड KP का एक्सप्रेशन निकालो।
नहीं वरुण रॉन्ग है, जानवी रॉन्ग है। आमिर करेक्ट आई थिंक तुम्हारा। श्रुति रॉन्ग है, समृद्धि रॉन्ग है, सिद्धार्थ करेक्ट है, आंचल करेक्ट है। सिद्धार्थ थोड़ा सा रॉन्ग है, चेक करो फिर से। प्रशांत रॉन्ग है, यस सिद्धार्थ नाउ करेक्ट है। यस वरुण करेक्ट है।
आमिर थोड़ा सा रॉन्ग है, चेक करो। नहीं वरुण। हाँ आमिर। जानवी रॉन्ग है। आंचल करेक्ट है, तो देखो करा देते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे एन टू का एक्स मोल रिएक्ट किया, तो एच टू का कितना करेगा? 1:3 रेशियो है ना इसका, एन टू का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, एच टू का 3। तो अगर एन टू का 1 मोल रिएक्ट करता तो एच टू का 3 मोल रिएक्ट। ओके, तो एच टू का 3 मोल रिएक्ट करता है, तो देखो अगर इसका एक्स मोल रिएक्ट करेगा, एन टू का एक्स मोल रिएक्ट करेगा, तो एच टू का कितना कर जाएगा? 3 एक्स मोल रिएक्ट कर जाएगा। तो इनिशियल मोल्स बी है, उसमें से 3 एक्स मोल रिएक्ट कर गया, तो कितना बता? B-3x। इसके अलावा इसके 1 मोल से NH3 के कितने मोल बनते हैं? 2 बनते हैं ना, तो 1 से 2 मोल बनता है, तो एक्स मोल से कितना बनेगा? एक्स मोल से बनेगा 2 एक्स मोल। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पर तीनों के मोल्स आ गए। तो मोल्स पता चल गए, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो व्हाट इज केसी? तो केसी इज NH3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन टू कॉन्सेंट्रेशन एंड एच टू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू थ्री। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2x/V का स्क्वायर डिवाइड बाय a-x/V एंड b-3x/V रेस टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x² (V²)/(a-x)(b-3x)^3। सो ये हमारे पास आ गया केसी का एक्सप्रेशन। मैच कर लो किस किस का करेक्ट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए ये हो गया केसी का एक्सप्रेशन। क्लियर सबने? आगे चलें। नाउ ये आ गया केसी, अब केपी निकालते हैं। तो एन टू प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हमें तीनों के मोल्स मिल गए थे, इसके थे a-x, इसके थे b-3x और इसके थे 2x। तो टोटल मोल्स क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे? a-x + b-3x + 2x। तो कितना हो गया ऐड करके? इट इज a+b-2x है ना, यही है ना। तो तीनों के मोल्स ऐड करके आ गया a+b-2x। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, सेम मोल फ्रैक्शन आ गया। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कर देंगे मोल फ्रैक्शन को। a-x
upon A plus B minus 2x into total pressure P. Similarly, B minus 3x upon A plus B minus 2x into total pressure P. And this is 2x upon A plus B minus 2x into total pressure. The partial pressure aa gaya. What is KP? So KP ho jayega hamare paas partial pressure of NS3 ka square divided by partial pressure of N2 and partial pressure of H2 raised to 3. Substitute karte hain. So 2x upon A plus B minus 2x into P ka square divided by A minus X upon A plus B minus 2x into P and B minus 3x upon A plus B minus 2x into P raised to 3. तो सॉल्व करके क्या आएगा देखो ये आ जाएगा ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर इसके अलावा a प्लस b माइनस 2x का स्क्वायर भी आ जाएगा एंड नीचे क्या होगा नीचे आएगा a माइनस x इनटू b माइनस 3x रेस टू 3 साथ साथ p स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा pp का एक्सप्रेशन ओके सो इस रिएक्शन के लिए ये kp का एक्सप्रेशन हो जाएगा हो गया सबका चलो क्वेश्चन लेते हैं तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 38 एंड 43 दोनों करो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 38 एंड 43
यस बादल करेक्ट है। करेक्ट टाइम्स वरुण करेक्ट है।
40 आया किसी का, सॉरी 43, प्रशांत आ गया तुम्हारा आपके। कराए क्या? तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 38, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या है, ए प्लस टू बी गिव्स सी, ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में हमें इनिशियल अमाउंट दिए रिएक्टेंट का, और कंटेनर जो है वो उसका वॉल्यूम है 5 लीटर, या 5 लीटर वॉल्यूम है। तो इनिशियली हमें 1 मोल ए का दिया है और बी का दिया है 1.8 मोल, इसके अलावा रिएक्टेंट कुछ है नहीं, सॉरी प्रोडक्ट कुछ है नहीं। After the reaction reached equilibrium, 1 mole of B was found. ठीक है, at equilibrium हम ऐसा बोलते हैं कि यार इसका A का मान लो X mole react कर गया, तो B का कितना करेगा, 2X करेगा, तो 1.8 mole इसका initially था, 2X mole इसका react कर रहा है। अच्छा, और C का कितना बनेगा, तो A और C दोनों का stoichiometric coefficient same है, तो अगर A का X mole react कर रहा है तो B का कितना mole बन जाएगा, X mole बन जाएगा। ठीक है, नाउ देखो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 1.8 माइनस 2x, जो इसकी वैल्यू क्या दी है हमें, 1 दी है ना, 1 मोल ऑफ बी वाज फाउंड। 1.8 माइनस 2x जो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1 ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा यहां से देखो, 2x जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.8, तो x आ जाएगा 0.8, तो x की वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई तो इक्विलिब्रियम पर तीनों के मोल्स मिल गए, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 0.4, मतलब 0.6, ये तो पता ही है 1 मोल है, एंड ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, तीनों के मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पर। और तीनों के मोल्स पता है तो kc क्या होगा, kc निकाल सकते हैं, kc क्या हो जाएगा, c का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय a का कॉन्सेंट्रेशन एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 0.4 by V डिवाइड बाय ए का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स है उसके 0.6 अपॉन V, एंड बी का क्या है 1 upon V एंड देन उसका स्क्वायर। तो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 0.4 into V square upon 0.6, या फिर 4 by 6 into 25, so 100 by 6 आ गया, and what is 100 by 6? It is 16.666. That is nothing but 70. Clear है क्या?
क्लियर है सभी को? लिख लिया? चले आगे, देख लिया ना सबने? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो 43 में हमें दिया KC of PCl3 plus Cl2 gives PCl5, तो PCl3 plus Cl2 gives PCl5, ये रिएक्शन है, इसका KC दिया है। क्या इसका KC भाई? इसका KC है 15। ओके, नाउ KC फॉर दिस रिएक्शन इज 15। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए 2.5 लीटर वेसल इनिशियली इवेक्युएटेड, इनिशियली इवेक्युएटेड मतलब कि इनिशियली वो खाली है, वेसल जो है हमारे पास इनिशियली क्या है, खाली है। तो वेसल इनिशियली खाली है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 टू बी इंट्रोड्यूस, हम उसमें PCl5 के कितने मोल्स इंट्रोड्यूस करें जिससे कि Cl2 कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर आ जाए। तो PCl5 कितना हम डालें कि Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन उतना मिल जाए? तो सबसे पहले तो यार जो जैसे रिएक्शन हमने लिखी हुई है वैसे रिएक्शन होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि बात देखो, इनिशियली तो कंटेनर खाली है, तो कंटेनर खाली है तो वो बोल रहा है उसमें कितना PCl5 हम ऐड करें कि Cl2 का इतना कॉन्सेंट्रेशन मिले, मतलब PCl5 हम डालते हैं, PCl5 क्या कर रहे हैं हम डाल रहे हैं और उससे फिर Cl2 मिल रहा है, तो बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होने वाली है, हम बोल सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? तो रिवर्स रिएक्शन कराएंगे हम, तो PCl5 1 मिनट, या सो रिवर्स रिएक्शन कराएंगे, PCl5 विल गिव PCl3 प्लस Cl, ये वाली रिएक्शन होगी। अच्छा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताओ? हमने बताया था रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर वाली का 15 था तो इसका क्या हो जाएगा, 1/5। तो अब देखो वो बोल रहा है कि हम PCl5 के कितने मोल्स डालें कि Cl2 का उतना कॉन्सेंट्रेशन आ जाए जितना वो बोल रहा है। तो इनिशियल मोल्स मान लो हमने A डाले, PCl5 के इनिशियल मोल्स हमने मान लो कितने डाले, A, PCl3 और Cl2 का 0 0, देन रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद जब इक्विलिब्रियम आया तो Cl2 का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो उन्होंने दे दिया। तो मान लो PCl5 का x मोल रिएक्ट हुआ, तो PCl3 का कितना बनेगा, x बनेगा और Cl2 का भी x। अब देखो ये हमें मोल्स पता चल गए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तीनों के मोल्स एट इक्विलिब्रियम पता चल गए, बट रिएक्शन में सॉरी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया Cl2 का, Cl2 का उन्होंने बोला है 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन,
ओके, तो सीएल टू कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कितना है? ऑब्वियसली सीएल टू कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना? तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया, 0.2 एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम है 2.5। ओके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू इधर से आ गई 0.5। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें किसके, सीएल के, हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर हमें तीनों के मोल्स मिल गए, अभी क्या क्या आएंगे, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स हो जाएंगे ए माइनस 0.5, इसके हो गए 0.5 और इसके हो गए 0.5। ओके, तीनों के मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे। हमें क्या निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है और के सी तो पता ही है। तो देखो व्हाट इज के सी नाउ, सो के सी इज ऑब्वियसली पीसीएल थ्री कॉन्सेंट्रेशन इंटू सीएल टू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय पीसीएल फाइव कॉन्सेंट्रेशन। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, के सी इज 1/15, तो इट इज पीसीएल थ्री कॉन्सेंट्रेशन मतलब 0.5/V, देन दूसरा भी हो जाएगा 0.5/V, एंड नीचे क्या आएगा ए माइनस 0.5/V। तो क्या आया यहाँ से, ऑब्वियसली डायरेक्ट हम एक्स 0.5/V को 0.2 भी लिख सकते हैं जैसे, बिकॉज हमें उसकी वैल्यू पता ही है, एक्स बाई वी की वैल्यू तो पता ही है, तो इसको हम चाहे तो 0.2 भी लिख सकते थे 0.5/V को। अच्छा तो देखो क्या आया, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाय वी इंटू ए माइनस 0.5। अब देखो यहां पर क्या है, ऑब्वियसली वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्या है, वी जो है वो 2.5 है ना, वी जो है वो क्या है 2.5। तो आगे सॉल्व अगर हम इसको करते हैं तो 1/15 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 2.5 इंटू ए माइनस 0.5। तो ये कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम्स, 0.1 टाइम्स, तो ये 1.5 कितना आ गया, ए माइनस 0.5 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है क्या, तो हम PCL5 के इनिशियली कितने मोल्स ऐड करेंगे, PCL5 के इनिशियली हम 2 मोल्स ऐड करेंगे, जिससे कि CL2 का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाए 0.2 मोलार आ जाए। ठीक है, क्लियर है सबको, तो चलो फिर लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो।
तो ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का है एंड देन सब्जेक्टिव में ठीक है 13 to 17 तो ये होमवर्क रहेगा करके आओ ठीक है। सो लेक्चर एंड करते हैं।